हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होते हैं, और ये बहुत एनिमल प्लस प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और ये बायो मॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो मिलके बनते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम से मिलके बने होते हैं। तो इनको साथ में ये भी बोल देते हैं कि होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव्स। जो कीटोन होंगे उसमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा, ये होता है हमारा कीटोन की पहचान। जो एल्डिहाइड होते हैं वो होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये सी एच ओ। आर यहाँ कोई भी जो है हमारा, जैसे सी एच थ्री सी एच टू CH3CH2 कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ पे R जो है। साथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ड्यू टू देयर जनरल फॉर्मूला। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON एंड N हियर इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6, 7 जो होते हैं हमारे होंगे N। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले आएंगे हमारे मोनोसैकेराइड्स, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सिंपल शुगर भी बोलते हैं, और ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कि कितने हैं, एक है दो है तीन है चार है पाँच है, ये जो है वो मेनली फाइव टाइप्स में जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा ट्रायोसिस। ट्रायोसिस जैसे नाम बता रहा है, ट्राई मतलब थ्री कार्बन, और इसके एग्जांपल है ग्लिसर एल्डिहाइड, ये होगा हमारा एल्डोस मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और दूसरा है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये होगा हमारा कीटोसिस, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा होगा हमारा टेट्रोसिस, इसमें फोर कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो इसके एग्जांपल हैं अरिथ्रोस एंड अरिथ्रुलोस, ये एल्डोस और ये कीटोस। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो होगा सी पार्ट वो होगा पेंटोसिस, ये इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फाइव कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल है राइबोस डीऑक्सी राइबोस। अब इसमें क्या देखो, सबसे पहले हम पांच कार्बन हो गए हमारे, और ये हमारे एल्डोज है, तो एल्डोज ऐसे होगा सी डबल बॉन्ड एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच, यहाँ ये तो हो गया हमारा राइबोस। तो यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी का मतलब कि यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो अपसेंड होगी, ठीक है। तो इसका इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही आएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच सी। अब यहाँ से क्या हो गया, एक ऑक्सीजन कम होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तब ये क्या है डी ऑक्सी राइबोस राइबोस 3, 4 एंड सी एच टू ओ एच लास्ट में ये ओ एच ओ
एच और एच, इसका मेन जो डिफरेंस है यही है कि इसमें जो थी एक ऑक्सीजन कम होती है डीऑक्सी राइबोस में, और राइबोस में जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, हेक्सोसिस। इसमें 6 कार्बन होते हैं और ये जो होते हैं सम्मिलनी हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और इनके एग्जांपल हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हमारे एल्डोज होते हैं, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो होता है कीटोज। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ग्लूकोज। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे वही H2 H2 OH, सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डोज ग्रुप लगा दिया OH H। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में यहाँ पे होगा H ग्लूकोज में, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 H OH H। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब ग्लैक्टोज में क्या डिफरेंस है, तो ग्लैक्टोज में ये डिफरेंस होता है कि जैसे 4, 5, 6 बाकी तो सेम होगा कि यहाँ पे थर्ड भी यहाँ होगा और फोर्थ भी यहाँ होगा, ये द मेजर डिफरेंस है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, कि जैसे ग्लूकोज में थर्ड इस पोजीशन में है तो ग्लैक्टोज में क्या होगा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में दोनों जो हमारे OH ग्रुप जो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हमारा कीटोज है तो वो ये ऐसे आएगा, क्या हो गया उसका होता था ना ये सी डबल बॉन्ड ये होती है ना ये, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, हो गया तो 6 कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे वो सेम OH OH, 1, 2, 3, 4 इसकी वैलेंसी पूरी होगी ना OH H OH H OH H OH H H। तो कहते हैं बीटा एंड अल्फा। अब हम बताएंगे कि बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। पहले हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। जब हमारा ये वाला OH अबव द प्लेन या अबव द रिंग मतलब ऊपर वाली सर्फ होगा तो ये होगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज, कैसे आएगा OH H, जो थर्ड इसका ऊपर आएगा वो यहाँ यहाँ। अगर ये ग्लैक्टोज होता बीटा तो ये OH फोर्थ वाला ऊपर जाता CH2OH H, ये हो गया हमारा बीटा। अब आ गया अल्फा, एंड बनाएंगे हम अल्फा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर OH जो होता है बिलो द प्लेन होगा कि बिलो द रिंग होगा तो वो हमारा होगा अल्फा, ये मेजर डिफरेंस है अल्फा और बीटा में। ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज डी मतलब आइसोमर डेक्सट्रोरोटरेटरी और साथ में बीट अल्फा। अगर ऊपर प्लेन होगा अबव द प्लेन होगा तो बीटा होगा, बिलो द प्लेन होगा तो वो होगा अल्फा। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब ये इधर आपको इम्पोर्टेंट होगा ये कि क्यों मैंने ये अल्फा बीटा पढ़ाया। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं इसमें 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं। दो मोनोसैकेराइड्स होंगे वो ज्वाइन करते हैं वाई ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो नम एग्जांपल है हमारा इसका सुक्रोस, सुक्रोस को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, और ये 2 मोनोसैकेराइड से बन के मिलती होती है, एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज
प्लस बीटा डी फ्रक्टोस, और ये जो साथ में लिंक होती है अल्फा वन टू ग्लाइकोसिडिक, मतलब अल्फा होगी लिंकेज और वन से जब जुड़ेगी तो ग्लूकोज का वन कार्बन से और सेकंड कार्बन फ्रक्टोज के, तो ये होगी अल्फा वन डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हमारे लैक्टोज, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसका जनरल फार्मूला है C12 एज लाइक एज सुक्रोज, C12 H22 O11। और ये दो मोनोसैकेराइड जो होते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, और ये बीटा वन फोर लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। थर्ड है हमारा माल्टोज, माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, और ये मिलते हैं बन अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और ये लिंक होते हैं आपस में अल्फा वन फोर लिंकेज के साथ। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स में होते हैं 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, वो ज्वाइन होती हैं वो, और ये फ्री आइडेंटिटी में नहीं पाए जाते हैं, ये एज अक्कर एज ग्लाइको कंजुगेट्स। मतलब या तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो मिलके पाए जाते हैं। और इसके सबसे पहले है ट्राईसैकेराइड्स, तो ट्राईसैकेराइड्स मतलब 3 मोनोसैकेराइड्स, और इसका जो मेन एग्जांपल है वो रेफिनोस, और इसका इसका फॉर्मूला है C18H32O16, और ये वीन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लैक्टोज प्लस एक फ्रक्टोज, मतलब 3 हो गए, ग्लूकोज ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलके बनते हैं। दूसरे हमारे ओलिगोसैकेराइड स्टैचियोस, इसमें 4 मोनोसैकेराइड होते हैं, 2 ग्लैक्टोज होंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। और इस पॉली नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं जिसमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, और इनको बोलते हैं साथ में इनको ग्लाइकन्स भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होमो पॉलीसैकेराइड, मतलब सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल हो गए जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रन, काइटन, इनुलिन, ये सारे जो होते हैं हमारे होमो पॉलीसैकेराइड्स की प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे हिट्रोपॉलीसैकेराइड, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट से बन के बनते हैं, उनको बोलते हैं हिट्रोपॉलीसैकेराइड, और इनको हिट्रोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। और इनके जो एग्जांपल हैं वो है अगर अग्रोज, साथ में अगर अग्रोज, ये एक है। नंबर 2 हो गया हमारा गम एंड पेक्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, कोनुरोनिक सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, हेप्रोन सल्फेट, इनको हम ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स भी बोलते हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो फॉर्मोनो इनके जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है वो क्या है। फंक्शंस सबसे पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये
मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स है ऑफ एनर्जी, डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फोर कार्बन, मतलब फोर कैलोरीज पर ग्राम, एक ग्राम में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर कैलोरीज दी है वो। और जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे सेलुलोज, अगर गम एंड पेक्टिन, वो डाइट्री फाइबर की तरह सर्व किए जाते हैं। और ये प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी होते हैं जैसे राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए की जो हमारे होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी जो हमारी शुगर्स पेंटोज शुगर होती है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, वो भी क्या होती हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये पार्टिसिपेट भी करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। और ये लुब्रिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी में, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन में भी। और ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट पर एज अ सर्व भी करते हैं, जैसे गैग हो गए ह्यूमंस में, सेलुलोज इन प्लांट, काइटिन इन इंसेक्ट। और ये डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट इट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, थैंक यू।